क्या जरूरत थी ये सब करने की? पहले ही सब तुम्हारे दुश्मन, ऊपर से पंगे और ले लेती हो। यार अब रो मत। मैं जानता हूं कि तुम रावी को उसके पति से मिलवाना चाहती थी, चिंटू की फैमिली पूरी करना चाहती थी, पर यह बात यहां कोई नहीं समझेगा। एक काम करो, ये लो पियो, पानी पियो और चुप हो जाओ। और वैसे भी कोई पहली बार तो इन लोगों ने तुम्हें उल्टी सीधी बात नहीं सुनाई है ना, हमेशा गायन का कुछ भी बोलते रहते हैं। हरमन जी, छोटी ने एक शब्द भी नहीं कहा मेरे लिए, वो पूरी दुनिया से लड़ जाती थी, पर पता नहीं उसे आजकल क्या हो गया है, उसने कुछ नहीं कहा। मुझे तो लगा कि तुम वो रावी वाली बात के लिए रो रही थी। वैसे ये बात तो मैंने भी गौर करी, अजीब सा बर्ताव कर रही है सुरभि, पता नहीं दिमाग में क्या लेकर बैठी, पर जो भी हो ये मामला भी हमें निपटाना होगा। बेबे, वाहे गुरु का शुक्र है कि सुरभि और हरमन की शादी की बात दुनिया को पता चल गई है। बेबे, अब हमें मुंह चुराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ पुत्र, चाय पुरी। मनिंदर जी, सत श्री अकाल। ओ सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, आ गए आप। हाँ जी, पैसे तैयार हो गए? हाँ जी, समझ गया, उसी के लिए आए होंगे आप। आता हूँ। आहूजा जी, मेरी गल सुनो, अब हमसे जितना बन सका हमने किया, अब इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं, लेकर हमें माफ कर दीजिए। ठीक है जी, हम आज शाम की फ्लाइट से ही कनाडा वापस जा रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बेबे, उम्मीद है कि ये स्यापा यहीं खत्म हो जाए। पुत्र, एक गल कहनी सी। बस एक बार ना तू प्रीतो के घर चला जा और अब मैं भूलूंगी तो बोलोगे कि बोलती, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि आप मुझे प्यार नहीं करते हो। कुछ भी बोल देते, बलविंदर मेरा पति है, इसमें मुंह काला करने की बात कहां से आ गई? इतनी छोटी सी बात है, इस सब में हंगामा करने की क्या जरूरत? हंगामा? तेरा बस चले तो तेरा गला ही काट दो, नाक कटा दी उस किशनलाल के सामने तूने हमारी, जी तो करते अभी। क्यों? घर में एक किन्नर को तो पाल रखा है, उससे आप लोगों की नाक नहीं कटती? उसे तो पूरी दुनिया जहान से छुपाते हैं, उससे झूठे रिश्ते निभाते हैं, लेकिन जब बात मेरे पे आती, मैं तो सिर्फ अपने पति से अपना रिश्ता संभाल रही थी ना, उसमें आपकी नाक कट गई। आप लोगों को जो करना है ना आप करिए, लेकिन अब मैं भी वो करूंगी जो मेरी इच्छा होगी। और तुम इंस्पेक्टर से सच बोलने की क्या जरूरत थी? वहां तो बड़ी झांसी की रानी बन रही थी। पति पत्नी हैं, आपस में प्यार करते हैं, इन दोनों को अलग मत करिए। तुम्हारा एक छोटा सा झूठ मेरे रिश्ते को बचा लेता, शायद आज मेरा पति मेरे साथ में होता। जी जी, झूठ की बुनियाद पर रिश्ते नहीं बनते हैं जी, इसलिए तुमसे जितना कहा जाता है ना उतना किया कर, ज्यादा घर के मामलों में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा रिश्ता है, मैं संभालूंगी, इन सब में एक किन्नर को ज्ञान बांटने की कोई जरूरत नहीं है,
समझी तुम? निकल जाओ यहां से। इतना शोर क्यों मचा रखा है भाई? तो ये तो बड़ा गहरा जख्म है। आप रीतो एम्बुलेंस को फोन कर दे, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। प्रीतो जरा सा जख्म है, जख्म वाली क्रीम लगा दे, ठीक हो जाना। तो मस्ती का हल्ला मचा रहा। हाँ मैं दवा लेकर आती हूँ, आप जल्दी लाओ। तू जा बाहर जाके देख, बाकी के काम देख। तू चल यहाँ। छोटी देना हाथ दे, मैं लगा देती हूँ। ला मैं लगा देती हूँ, तू जा। जी हाथ काटने से तुझे तेरा पति नहीं मिल जाएगा। अपने हक के लिए दूसरों के दिल पर छुरी चलानी चाहिए, अपने आप पर नहीं। मम्मा जी छेती करिए, सबके फोन पे फोन आ रहे हैं। चलिए मैं क्या जी, वो फैक्ट्री जाने के पहले ना आप। उनकी लाइन में आया है और कोई बखेड़ा तो नहीं लेके आया? सवेरे सवेरे मनिंदर गल की है। तो देखिए जी, वो आज नहीं, हम वैसे ही बड़े परेशान हैं। अरे अरे ना ना जी, गल तो सुनो। बोल। कोई परेशानी नहीं है, मैं तो हरमन और सुरभि को लेने आया हूं। वो पिंड में तो बताना होगा ना कि पति पत्नी है वो। हाँ हाथ कटा है मेरा। हाँ तो पता है मुझे, वही पूछने जा रहा था, कैसा है तुम्हारा हाथ? क्या फर्क पड़ता है ठीक है या नहीं है? मैं सोमोदी थोड़ी ना हूँ जिसकी फिक्र होगी आपको। ये क्या था, वहाँ डाइनिंग टेबल पे भी तुमने अजीब सी हरकत करी। सौम्या से बदतमीजी से बात करी हो, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यार तुम ना समझती नहीं, तुम्हारी बहन सौम्या तुमसे कई ज्यादा नाजुक है, इसीलिए मुझे उसकी चिंता होती रहती है। तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो। मतलब अगर मेरी जगह दी किडनैप हुई होती तो आप बचाने जाते ना? हाँ क्यों नहीं जाता? क्या मुझे ऐसे क्या देख रही हो? सौम्या को बचाने इसलिए जाता क्योंकि उसे बचाने मेरी मां नहीं जाती। कमाल करते हो यार, इस घर के स्यापी खत्म नहीं होते, बंदा मतलब रेस्ट भी ना कर पाए।
मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। वाह, पहली बार है, पहली बार इनके मुंह से कोई अकल वाली बात निकली है। जी आपकी बेटी है, आपका दामाद है, आप ले जाइए अपने साथ। जी मैं अभी बुला लेती हूँ सुरभि को। सुरभि, ओ पुत्र ऐसे तो आ। सुन, तेरी बाऊजी आए तुझे और हरमन को अपने साथ ले जाने, ताकि सबको बता सके कि तेरा और हरमन का विवाह हो गया है, पति पत्नी हो तुम दोनों। चल छेती जा, जाने की तैयारी कर, अपने मायके जाकर हरमन के साथ कुछ दिन रहा। चल चल चल। और छेती आना है, आइए बैठिए, लस्सी बनवाती हूँ, इतनी अच्छी खुशी की खबर चलाए। हरमन जी, हरमन जी उठिए ना, हरमन जी सोने दो सुरभि, मैं अभी सोया हूँ। ऐसे कैसे, पापा ले जाने आए हैं और हम दोनों को ले जाने आए हैं, उठिए चलिए तैयार हो जाइए। तैयार हो ना। तैयार क्यों होना है, किसकी बारात में जाना है हमें, यार सोने दो यार सुरभि। हरमन जी नीचे पापा आए हैं हम दोनों को ले जाने के लिए। पापा? अरे क्यों, वो हमें क्यों ले जाने आए? हमारी शादी की पब्लिकली अनाउंसमेंट के बाद पापा को अपने गांव में भी तो कुछ रस्में और पूजा करनी होगी ना, इसीलिए आए हैं वो। उठिए चलिए। यार मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ जिसका मन करता आता है बजाता, अपनी मनोकामना पूरी करता और चला जाता है? यार कोई और काम नहीं है इन लोगों के पास, मेरे पीछे क्यों पड़े? मैं कहीं नहीं जा रहा। अरे हरमन जी, मेरा हाथ कटा उस पर तो आप दवाई लगाने आए नहीं, वहां मुंबई में भी मुझे मम्मी जी के सहारे छोड़ा है। मैंने कुछ कहा नहीं, कहा ना, बर्दाश्त कर लिया ना। नीचे पापा आए हैं, उन्हें कैसे मना करूंगी मैं। उठिए आप। आज तक तो तुम अपने पापा जी की सारी बातें मानती आई है ना, वैसे मना करो जैसे आज तक मना करती आई। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैंने आपसे कहा ना कि हम जाएंगे, आप तैयार होइए बस। मैं नहीं जाऊंगा, इससे अच्छी भाषा में नहीं समझा सकता मैं तुम्हें। आपको जाना होगा, उठिए और तैयार होइए। आपको जाना चाहिए जी। हरमन जी, छोटी ठीक कह रही है जी, आपको उसके साथ जाना चाहिए, आप पापा के दामाद हैं ना, प्लीज जिद मत कीजिएगा, जरूरी है। सौम्या, चलो ठीक है, मैं चला जाऊंगा और जितने दिन कहोगी उतने दिन बाहर आऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा। हाँ क्यों नहीं, आप दोनों एक दूसरे को ना भी कैसे कह सकते हैं। वैसे मामी जी, मनिंदर जी अपने एक दामाद के साथ दोनों बेटियों को लेके जा रहे हैं। हरमन का भी ना बाय वन गेट वन वाला केस हो गया। वैसे हैं? सौम्या नहीं जा रही? अरे वो तो तैयार हो रही है हरमन और सुरभि के साथ जाने के लिए। मुझे लगा आपने क्या होगा, वही मैं सोचूं आपको क्या हो गया। किन्नर भी ना, बेताल बनकर हरमन और सुरभि के कंधे पे मरी पड़ी रहती है। और मेरी सोनी मामी जी, फिलहाल तो जाकर रोकी उन्हें,
बात की बाद में देखेंगे। मेरे रुकने से कुछ नहीं होगा, उल्टा हरमन भी नहीं जाएगा। सौम्या को तो अब कोई और रुकेगा। सौम्या मामी आपको और पापा को मिलवाना चाहती है, जिससे कि मैं आपके साथ रहूं। फिर आपने सौम्या मामी को डांट क्यों खिलवाई? अब आपको सौम्या मामी को सॉरी बोलना पड़ेगा। चिंटू बेटा मैं अभी दीदी आपको मामी जी बुला रही है। मुझे? हाँ वो सौम्या भाभी और सुरभि जी मायके जा रही है ना 20-25 दिनों के लिए, तो बस कुछ कपड़े वगैरह निकाल ले। सौम्या मामी फिर से जा रही है? ओ हाँ, इस घर के छोड़े लफंडर फिर से जा रही है। सौम्या मामी, सौम्या मामी, सौम्या मामी। अभी दी, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं बुला रहा, मैंने तो झूठ कहा था। अच्छा जी चलते हैं। सत्रीकार। सत्रीकार। सौम्या मामी। रुको, ऐसे भागी मत, संभल के आइए। चिंटू जी क्या हुआ? अरे आप रो क्यों रहे हैं? अब इसे क्यों जा रहा हूँ? मुझे यहाँ पर कोई पसंद नहीं है। मैं किसके साथ खेलूंगा, किसके साथ सोऊंगा? प्लीज मत जाओ ना मामी। आप रोइए मत। हाँ चिंटू जी, सिर्फ 2-3 दिन की बात है, मैं वापस आ जाऊंगी। तब तक है ना यहाँ आपकी मम्मा है, आपकी नानी माँ है। आप प्लीज ऐसे मत रोइए, बस चुप हो जाइए। मैं आपको एक दिन के लिए भी नहीं जाने दूंगा। मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जाओगे आप। ओए छोड़े रिचार्ज, तेरा ध्यान रखने के लिए यहाँ पे घर में इतने सारे लोग हैं, वहां घर से दूर मेरा ध्यान कौन रखेगा? इसीलिए तो तेरी सौम्या मामी को साथ लेकर जा रहा हूं। मेरे पास है ना एक्स्ट्रा मामी। सौम्या मामी को यहीं रहने दो। आप प्लीज मत रोइए हरमन जी, आप पर छुट्टी जाइए ना, यहाँ चिंटू जी का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। अच्छा मैं काम करते हैं, हम चिंटू को भी साथ लेकर चलते हैं। चल। नहीं जी, अभी अभी तो ये रावी जी के पास आने लगा है, ऐसे में उन्हें दूर ले जाना अच्छी बात नहीं होगी। एक दो दिन की बात है, प्लीज मैनेज कर लीजिए ना। चंगी गल कितनी है, एकदम चंगी गल। ठीक है मैं काम करता हूँ, मैं सुरभि को छोड़कर शाम तक वापस आता हूँ। ठीक है जी, अब बस रोना बंद। ठीक है मैं आपके लिए चॉकलेट वाला दूध भी बनाऊंगी। सौम्य को यहाँ रोकना मेरी जिम्मेदारी, हरमन को वहां अपने साथ रोकना तेरी जिम्मेदारी।